क्लास फर्स्ट, इंग्लिश फर्स्ट, ग्लोरी, पेज नंबर 8, पेज नंबर 7 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वेलकम टू न्यू क्लास। ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ मैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये कॉपी में कर चुके हो आप। नाउ वर्ड पावर ए, सर्किल द वोवल्स। वोवल्स कौन से होते हैं? देयर आर 5 वोवल्स, ए ई आई ओ यू। अब जो इसमें जो 26 लेटर्स हैं, इनमें से आपको सर्किल करना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन लेटर्स में से, अल्फाबेट्स में से आपको वोवल्स चूज करना है और सर्किल लगाना है। देर आर 5 वोवल्स, ए देन ई आई ओ यू, दीज आर 5 वोवल्स। नेक्स्ट वन बी, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। ये आपको बुक में ही करने हैं, सर्किल लगाने हैं। अब आपको इसकी रीडिंग करनी है। बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एफ ए टी फैट, एम ए टी मैट। इसमें ए साउंड आ रहा है, एच ए टी हैट, ए पी ए टी पैट, एस ए टी सेट, आर ए टी रेट, ए एन टी आंट, ए डबल पी एल ई एप्पल, ए जी ओ अगो, ए एन डी एंड। ओनली रीड करना है आपको। नेक्स्ट वन सी, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर। इसमें कुछ लेटर जो है मिस हो रहे हैं, नहीं लिखे हुए हैं, आपको पिक्चर देखकर इसको फिल करना है। दिस इज अ हैट, ये आपको कैप टॉप नज़र आ रही है, एच ए टी हैट। दिस इज अ मैट, ये चटाई नज़र आ रही है आपको, एम ए टी। द आंट इज ऑन द मैट, ये आंट है, चींटी है, और ये मैट है, ए एन टी आंट, एम ए टी मैट। दिस इज अ मैट, इट इज ओनली मैट, एम ए टी। दिस इज अ रेट, आर ए टी। ये आपका पेज नंबर 8 हो गया है। नाउ चेंज योर पेज, पेज नंबर 9, ग्रामर ट्री। अब आपका पहले तो बुक में से आया था, अब जो ग्रामर का काम है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद आई यू एंड वी। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको आई यू और वी फिल करना है, कंप्लीट करना सेंटेंस। आई एम ए गर्ल, एम अ गर्ल, एम के साथ हमेशा आई आता है। ये आर है, प्लूरल नंबर है, इसके साथ मैंने लगाया वी, वी आर बॉयज। आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, मैं 6 साल का हूँ, यहाँ पर भी आई लगाया एम के साथ। यहाँ आर है, वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं। वी भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर मैंने वी लगाया है। आर टॉल, ये आर तो है प्लूरल, बट इसके साथ यू लगाना है, आई तो सिंगुलर है और यू को हम प्लूरल में नंबर गिनते हैं। यू के साथ इज एम नहीं आता है, यू के साथ हमेशा आर आता है, यू आर टॉल। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है, इसको बुक में ही फिल करना है। चेंज योर पेज, पेज नंबर 10, राइटिंग स्किल्स। राइट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन मेक विद द फॉलोइंग लेटर्स। ये बेटा देखो, ये सर्किल बना हुआ है, इतने सारे लेटर लिखे हुए हैं, ये इनमें से आपको लेटर लेकर चूज करके आपको वर्ड बनाना है। बिगिन सच वर्ड विद द कॉन्सोनेंट एस। वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, बी से लेकर जेड तक के जितने भी हैं बीच में, उसमें ए ई आई ओ यू नहीं आता है, उसमें एस जो है वो भी कॉन्सोनेंट ही है।
यस, मिडिल में लिखा हुआ है, सेंटर में लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, इसके आसपास जो लेटर है इनको मिलाकर हमको नया वर्ड बनाना है। ये सन, ये एस लिखा हुआ है, मैंने एस ए टी सेट लिखा है, एस ए डी सेड, एस ओ डब्ल्यू सो, एस ए डब्ल्यू सा, एस आई टी सिट, एस आई एन सिन, एस एन ओ डब्ल्यू स्नो। दीज आर सेवन वर्ड्स विथ एस से बने हुए हैं। ये एस जो है स्टार्टिंग वर्ड है, बिगन आपका एस से स्टार्ट हुआ है। ऑल वर्ड्स आर एस से लिखे हुए हैं, सेट सेड, सो सा, स्नो सिन और सिट। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, दीज आर सेवन वर्ड्स। नाउ सी ए प्रोजेक्ट वर्क है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। अब आपके फैमिली मेम्बर के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। दीज आर फोर क्वेश्चंस, मैंने आपको इसी में लिख के बताया है, आप कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में आपको लिखना बता रही हूँ मैं। फॉलोइंग, व्हाट इज योर फादर, आपके पापा क्या काम करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है माय फादर इज ए बिजनेसमैन। लुक एट दिस वन, मैंने आपको लिखने का तरीका बताना है। आप ऐसे लिखो क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। देख रहे हो बेटा मैंने कैसे लिखा है, लाइन के अंदर ही, लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट ए बी ओ यू टी अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, आपको आपके परिवार के बारे में जानकारी देनी है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, डू विथ पेंसिल, आपको पेन यूज नहीं करना है बेटा, पेंसिल से लिखना है। एम ई एम बी ई आर एस मेंबर्स, फर्स्ट राइट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। देखना बेटा नीचे ध्यान से मैं कैसे लिख रही हूँ। व्हाट इज योर फादर, देख रहे हो बेटा फोर लाइन में कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है मैंने, ये क्वेश्चन है, आपको आंसर लिखना है। राइट हेयर आंसर, माय फादर इज बिजनेसमैन, धंधा करते हैं, व्यापारी हैं। आपके पापा जो डॉक्टर हैं या अदर वर्क करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, आपकी राइटिंग ऐसी ही होनी चाहिए, लाइन के अंदर ही लिखा होना चाहिए। फोर लाइन की कॉपी में आपको वर्क करना है और राइटिंग सुंदर सुंदर लिखना है जैसे मैंने लिखी है। नाउ सी, व्हाट इज योर मदर, आपकी मम्मा क्या काम करती हैं। माय मदर इज ए हाउस वाइफ, मेरी मम्मा घर का कार्य करती हैं। हु कुक्स फूड फॉर द फैमिली, आपकी मम्मा क्या बनाती हैं। माय मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली, आपके घर का खाना कौन बनाता है। हु मींस कौन, फैमिली के लिए खाना कौन पकाता है, आपकी मम्मी पकाती हैं। हु बायस थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से सामान कौन लेके आता है। कई बच्चों के तो मम्मी लेके आ जाती है, कई भाई बहन भी जाते हैं, लेकिन जो ड्यूटी होती है वो पापा की होती है। माई फादर बायस थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मेरे पापा बाजार से सामान लाते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, नाउ लुक एट दिस वन, कंप्लीट द फॉलोइंग फैमिली ट्री।
ये ट्री है, इसमें लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द गिवन स्पेस एज पर द नंबर्स गिवन इन द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, माई सेल्फ, यहाँ पर आपके दादा का नाम, दादी का नाम, मम्मा का, पापा का और आपके भाई बहन हैं उनके नाम आप अपने आप लिखेंगे। डू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ओके। पेज नंबर 8, 9, 10 इज कंप्लीटेड।